करना चुनाव प्रवास। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरा विश्वास ये पक्का हो गया कि अमरेंद्र नाथ जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप लोगों ने विधानसभा में भेजने का मन बना लिया। नरेंद्र नाथ जी इसके पहले भी यहां पे विधायक रहे, दूसरी बार यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उन्होंने अच्छा काम न किया होता पांच वर्षों के विधायक रहते हुए, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ हमको इस सभा में देखने को न मिलती। यानी इनके कामकाज पर इस भीड़ ने मोहर लगा दी कि महेंद्र नाथ जी का परफॉर्मेंस एक विधायक के रूप में बहुत ही शानदार रहा। पहली बार आया, स्वाभाविक है हमारी इच्छा है कि आपका मैं अभिनंदन करूं, असमिया बोल नहीं सकता, लेकिन मैं लिख कर लाया, बोलूंगा असमिया जरूर। परम शर्धन रायस आई मातृ शकोल, बाई भोंटी भतेरी शकोल, जय 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 मोर आपना लोप लोई प्रणाम। ये भाई ओके की खबर बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, असम से मैं बहुत पहले से परिचित हूं और जैसा अतुल बोरा जी बता रहे थे, इन लोगों से हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं लगभग साढ़े पांच छह वर्षों तक, असम गण परिषद के लोगों के साथ मैंने अपना रिश्ता बहुत ही अच्छा बनाकर रखा, और मैं कहना चाहता हूं आज भी इन लोगों के साथ हमारे बहुत ही जीवंत रिश्ते, बहुत जीवंत रिश्ते आज भी सबसे हमारी दोस्ती है। और असम गण परिषद के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने भी आया हूं तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हो गई। लेकिन जब मैं कभी कांग्रेस के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है क्या हो गया है कांग्रेस। तरुण गोगोई जी यहां पर 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार की, एयूडीएफ से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, नहीं किया ना, किया था, नहीं किया, क्या हो गया आज की कांग्रेस को? एयूडीएफ के साथ उन्होंने समझौता कर लिया केवल इसलिए कि धर्म विशेष के लोगों का हम समर्थन प्राप्त करें? क्या भारत के समाज को धर्म और मजहब के आधार पर बांटना चाहती है कांग्रेस? बहन भाइयों, में भारतीय जनता पार्टी के बारे में साफ कर देना चाहता हूं, हम जाति पंथ धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की पॉलिटिक्स हम। क्या वोट के लिए हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है देश को? कांग्रेस को इस बात को नहीं भूलना चाहिए, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों ने महर्षियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज फैमिली, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, यह संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से। और यहां पर केवल सरकार बनाने के लिए धर्म और मजहब के आधार पर अलायंस किया जा रहा है, गठबंधन किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। क्या हो गया इन लोगों? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में,
असम का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अहोम भाषा में असम असमू कहते, जिसका अर्थ होता है अनपैरल, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं, इसका अर्थ यह होता है। और मैं कह सकता हूं असम के इतिहास को जितना मैं समझ पाया हूं यह अद्वितीय है, अनपैरल है। असम मेरे रहने का कामाख्या देवी और ब्रह्मपुत्र की धरती है यह असम। स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से मन सिर झुक जाता है इस धरती के साथ, और एक से एक सूर्य लचित गोर फूकन जैसे सूर्य जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने मामा का भी कत्ल करने में संकोच नहीं किया, ऐसे लचित गोर फूकन की धरती है यह असम की। नेशन फर्स्ट, देश और देश से लगता हुआ जो यह सब सीमा है, यह बॉर्डर है, सभी जगह जो हम लोगों की सरकारें होंगी अधिकांश स्थानों पर स्वाभाविक है अवैध घुसपैठ में पर रोक लगा। और घुसपैठ का यहां तक सवाल है धुबरी, धुबरी में फेंसिंग हो गई है तो बोले मैं ही भारत का गृहमंत्री था उसी समय, हमको स्वराज जी ने कहा था वहां पर फेंसिंग की मुकम्मल व्यवस्था कराई थी इसी घुसपैठ को रोकने के लिए। और इतना ही नहीं, जब वहां पर एक रिवराइन था, नदी थी, लोग कहते साहब यहां फेंसिंग कैसे होगी, तो मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। और आज आपको जानकर खुशी होगी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की व्यवस्था होगी। बहनों भाइयों, हम लोग सीमा की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से कमिटेड हैं, पूरी की तरह से कमिटेड हैं, और आंतरिक सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। आपको याद होगा 2014 दिसंबर में मैं आया था, बड़ी संख्या में यहां पर आदिवासी मारे गए थे, ऑल आउट ऑपरेशन की मैंने ही यहां पर निर्देश देकर मैं गया था। उसके बाद क्या हुआ हमारा मान के हवा, यानी मैं सीमा की बात कर रहा हूं, मैं भारत चाइना सीमा की भी बात करना चाहता हूं। मैंने भाइयों ज्यादा नहीं कहना चाहता, कोई कल्पना नहीं करता, हमारे देश के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसे हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो गया है। बहनों भाइयों, सेना के जवानों के सम्मान में हम लोगों को तालियां बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए। हमारी सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी। कोरोना की महामारी थी, कोरोना की महामारी में यहां पर आपकी सरकार, बीजेपी असम गण परिषद की सरकार और दिल्ली के हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री के काम की ऐसी सराहना हो रही कि भारत में नहीं दुनिया के दूसरे देशों में हो रही। किस तरीके से कोरोना महामारी को भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने नियंत्रित करने की का काम किया। क्वैड की अभी मीटिंग थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जापान के थे और ऑस्ट्रेलिया। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी है सबने हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ की है और भारत की बढ़ती हुई ताकत की तारीफ की। यह कोई छोटी बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के बाद बढ़ी। यदि प्रतिष्ठा बढ़ी है तो आप सबके संबल के कारण, आप सबके ताकत के कारण यह प्रतिष्ठा बढ़ी। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, आप सभी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, भाजपा के प्रत्याशियों को, जहां असमगढ़ परिषद के हों वहां असमगढ़ परिषद के प्रत्याशियों को, यानी जो भी हमारे रहेंगे, मुझे भारी मतों से भी यह दिया है और मैं भाजपा के लोगों से भी कहूंगा पूरी ताकत के साथ हमको यहां पर लगने की जरूरत है ताकि हम अपने महेंद्रनाथ जी को पहले से कहीं ज्यादा मतों से भी यह दिलाकर हम असम की विधानसभा में भेज सके। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.